उद्यान है APJ अब्दुल कलाम जी का, और अभी तक मैं कभी इस उद्यान में नहीं गई हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज मैं इस उद्यान की सैर करने वाली हूँ। चलिए साथ में देखते हैं कैसा है ये उद्यान। सुंदर सा गार्डन, वाह। चलो तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गार्डन गए थे, साइड में आ जाओ, लेकिन टाइम अप हो गया था, गार्डन क्लोज होने का टाइम हो गया था, तो इसलिए हम लोगों को निकलना पड़ा। हम आपको गार्डन की सैर नहीं करा पाए, लेकिन लेकिन मैं कौन हूँ, मानसी पांडे, जहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं रहती वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ, और इस बार भी ऐसा ही होगा कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी और सैर अच्छी कराऊँगी। लेस खुल गई थी, लेस बांध ली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी फूल ही फूल बिखरे हुए हैं, वाह। लेकिन ये पत्ते हैं, ये फूल पूरा मिल नहीं रहा, ये छोटे छोटे पत्ते हैं उसके। चलो कोई बात नहीं, फूल ना सही पत्ता ही सही, हम पत्ता लेके आगे चलते हैं। एक गाना याद आया, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, हैं? अकेले अकेले बैठे हो, अकेले अकेले बैठे हो, क्या प्यारा है। प्रोफेशनल कैमरामैन को कैमरा दो। तो आ गया है अब प्रोफेशनल कैमरामैन के हाथ में कैमरा, कैमरामैन नहीं, कैमरा गर्ल के हाथ में कैमरा। तो मैं अब आप लोगों को बीच की सैर कराऊंगी। तो बीच देखना है आप लोगों को, देखना है नहीं, दिखाऊंगी, दिखा दूं पक्का। तो ये अक्सा बीच है, देखिए कितना सुंदर, कितना गहरा समंदर, और समंदर के साथ बादल भी ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल घने घने बादल। अब थोड़ी थोड़ी बारिश की भी हिंट आ रही है, तो इसलिए बादल थोड़े अलग मिजाज में दिखाई दे रहे हैं। तो ये है पूरा, और काफ़ी भीड़ है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि वेकेशंस चल रहे हैं तो भीड़ तो डेफिनेटली होनी ही है। और मैं ये जो जगह दिख रही है, मैं यहाँ पे जाना चाह रही हूँ क्योंकि वहाँ शोर कम है, भीड़ कम है, रॉक्स भी है, तो बाद में मैं यहाँ पर आऊँगी। अभी सनसेट जैसा भी नहीं दिख रहा, तो इसलिए थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, तो फिर मैं वहाँ से घूम के फिर यहाँ पे आऊँगी। वैसे भी आ ही गया है ना, दो फूल के पत्ते, दो फूल के पत्ते मेरे हाथ में हैं। ये पानी बहुत कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ना पानी।
कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी प्यारी आवाज आ रही है। वाह, पानी बहता हुआ पानी, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। बस ऐसा मन हो रहा है कि ऐसे ही सुनती रहूं, घंटों सुनती रहूं। और सच में मतलब ये नेचर में आप इन्वॉल्व हो के, नेचर में डूब के आप कभी भी थक नहीं सकते हो, आप कभी बोर नहीं हो सकते हो। आप उसमें डूब जाते हो, आप खो जाते हो और आपका दिल दिमाग कितना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, अच्छी फीलिंग में आप चले जाते हैं। देखिए सूर्य देवता भी, अब मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सूर्य देवता को दिखाने के लिए। वाह ये देखिए कैसे प्यारे से क्यूट से दिखाई दे रहे हैं, समंदर बहता हुआ पानी, कितना अच्छा लग रहा है। बादल, घने घने से बादल उमड़ के आ रहे हैं और ये पानी। अच्छा लग रहा है, एकदम शांत ऐसे ही बैठी रहूं। आ हा हा हा, ये पानी की जो ध्वनि है, देखो एक बार कि पानी की आवाज, शब्दों का कितना फर्क पड़ता है ना। पानी की आवाज, पानी का शोर और पानी की ध्वनि, ध्वनि बोलते ही ऐसा लगता है कि आ हा हा हा, कितना अच्छा सुर बज रहा है, कितना अच्छा नाद बज रहा है, कितनी अच्छी ध्वनि हो रही है ना। कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है, मोहक लगता है। मेरा तो उठने का मन नहीं हो रहा है सच में। क्या बोलेंगे इसको, शायद प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ या प्रकृति मुझे ऐसे पकड़ लेती है, अपने पास में जकड़ लेती है कि नहीं मानसी तुम मेरी ही गोद में रहो। और मानसी को प्रकृति की गोद में, प्रकृति माँ की गोद में रहना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो हो रहा है इसी में बैठ जाऊं, लेकिन क्या करें कपड़े भी भीग जाएंगे। काफ़ी समय भी ऐसा मैंने किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी करती आई हूँ, अच्छा लगता है। थोड़ा आगे जाऊँ क्या, प्यारा सा पानी, पत्थरों पे मैं, शब्द पूरे ख़त्म हो गए एक्चुअली इसीलिए ये सारी बातें बस कुछ भी बोल रही हूँ। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपके शब्द ख़त्म हो जाते हैं, आप सोचते हो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन रियली मेरे शब्द ख़त्म हो गए हैं। तो चलती हूँ, थोड़ा उजाला है। ओह सूर्य देवता तो अब पूरी तरीके से सनसेट हो चुके हैं, सनसेट हो चुका है। तो अब थोड़ा सा घूम के आप लोगों को यहाँ का एटमॉस्फेयर दिखा देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाएगा।